नहीं बोल सकते, अगर मैं बोल सकती तो आप क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरी सोच ये है कि भी जैसे कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी और बीजेपी वालों ने कांग्रेस सरकार गिराए, उसी समय से योजना चालू कर देना था तो उनको लाभ बहुत मिलता। और दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हैं हम ग्राम बिनोरा में जो कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और चुनाव का जो काउंटडाउन था वो खत्म हो चुका है, चुनाव यहां पर हो चुके हैं। 17 तारीख को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सभी क्षेत्र में मतदान यहां पर हुआ, किसी भी तरीके की ऐसी कोई खबर नहीं आई कि यहां पर किसी प्रकार की गुटबाजी हुई हो या हल्ला दंगा हुआ हो, बहुत ही शांतिपूर्वक इस बार चुनाव निपटा है। और जब चुनाव खत्म हो चुका है तो आज हम यहाँ पर सर्वे करने आए हैं कि कौन सा प्रत्याशी अपनी धाक जमा रहा है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रनर अप में दौड़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जानेंगे पब्लिक का रुझान कि जनता ने किसको सबसे ज्यादा अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, और कौन चाहता है कि परिवर्तन हो जो पिछली सरकार से जो नाखुश थे या खुश थे, ऐसी बहुत सारी जानकारी छोटी बड़ी हमको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आइए हम जानते हैं, समझते हैं। तो सर आज हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं क्योंकि चुनाव यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो चुनावी रुझान क्या रहा है, इस बार क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? हमें तो ऐसा है कि दल के हिसाब से नहीं, पर जो मतलब कि कांग्रेस पार्टी का मतलब का जो वचन पत्र था उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस समय मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा। और हमारे लांजी किरणापुर से सुश्री हिना कावरे जी चुनाव निकाल, उनकी जीत उनकी जीत पक्की है इस बार। अच्छा, कितने सीटों पर कांग्रेस आ सकती है? अनुमान है कि बालाघाट जिले में 6-9 मतलब कम से कम 5 सीटों पे, कम से कम 5 सीटों पे वो आएगी। हाँ, अपनी धाक जमा सकते हैं बालाघाट जिले में। अच्छा, कांग्रेस लग रहा है कि कटंगे से हार सकती है, बोशियम गति वाले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां से हमें भी सूत्रों के हिसाब से जो खबरें मिली हैं उसमें कांग्रेस काफी पीछे है और बीजेपी बढ़त में है, और कटंगी एक तरफा हो चुका है बीजेपी को लेकर, है ना? तो और आगे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बहुत सारे मतलब वादे किए गए, तो आप ऑलरेडी कार्यकर्ता हैं, है ना, कांग्रेस के, जहां तक मैं जानती हूँ आपको, तो क्या आप जितने भी जो वादे किए जाते हैं और जितने भी वहाँ पे वचन पत्र किया जाता है तो क्या उसका पूरी तरीके से निभाया जाएगा? वचन पत्र को देखिए, जैसे जैसे मतलब क्या है कि सरकार के मतलब कि एक सरकार बैठेगी, और जैसे ही मतलब क्या है कि वचन पत्र है एक मुश्त, मतलब क्या है कि मतलब वचन पत्र पूरा कर नहीं सकती सरकार, जैसे जैसे समय उनका बीतेगा वैसे वैसे वचन पत्र पूरे कंप्लीट होंगे। अच्छा, जो पिछली बार भी हमारे यहाँ पर विधायक रही हैं सुश्री हिना कावरे जी, तो वो जो कुछ उनका बचा हुआ रह गया, ठीक है, या जो बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों को, हम इंटीरियर में भी गए, काफी सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या वो सारी चीजें प्रतिपूर्ति कर पाएंगे? क्योंकि मीडिया तक की बातें तो उन तक भी पहुंचती है ना, तो उन्होंने कितना संज्ञान में लिया अगर वो आ जाते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी आशा और विश्वास लोगों का उनसे जुड़ा हुआ है ना, तो आपको क्या लगता है वो अपने स्तर पर कितना अच्छा कर पाएंगे? देखो, अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है और हमारी लांजी विधानसभा की सुश्री हिना कावरे जी कैबिनेट मंत्री बनना तय है, और जब मंत्री बनेंगे कैबिनेट मंत्री तो पहले सबसे पहले तो मतलब क्षेत्र का विकास, फिर जिले का, फिर प्रदेश का विकास। चलिए, मतलब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, अगर वो मंत्री बन जाती है तो स्टेप बाय स्टेप वो विकास करेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और सर मुझे बताइए कि और कोई ऐसा मतलब कोई पार्टी जो उनको अभी वर्तमान में टक्कर दे सकती है, नुकसान दे सकती है, ऐसे कोई निर्दलीय जो है? नहीं, उनको तो टक्कर देने में तो ऐसे कोई मतलब उम्मीदवार नहीं है, पर उनके आने से हमारी मतलब कहना चाहिए हमको फायदा अधिक, और मतलब क्या है कि जो हमारी ज्योति उमरे गन्ने वाले निशान है वो मतलब क्या है कि लोधी समाज की है, और राजकुमार कर रहा है जो लोधी समाज के थे। अच्छा। तो अधिकांश उनसे और ज्यादा फायदा हमको मिल रहा है। अच्छा, यानी दोनों ही लोधी समाज के थे। और अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज कभी नहीं समझ में आई, और स्पेशली राजनीति की, कि राजनीति क्या जातिवाद पर लड़ी जानी चाहिए? नहीं, ये तो मैं तो इसको मानता ही नहीं। ये देखिए कि मेरी अभी रेशियो मतलब क्या है कि कहना चाहिए 60-40 का है, फिर भी मेरी मतलब क्या है कि बहु इस समय मतलब सरपंच बन, जातिवाद चुनाव तो मानता ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। भाजपा के पीछे रहने का कारण आप बता सकते हैं? भाजपा पीछे रहने का कारण ये है कि उनके मतलब ये जो अभी जो घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जो पहले जाहिर की, उसके बाद में जो घोषणा पत्र उन्होंने किए
जैसे अपन ने कही नारी सम्मान योजना, उन्हें घोषणा पत्र पहले लागू कर दी मतलब कमलनाथ जी ने, उनके बाद में उनके नारी सम्मान योजना आया। नारी सम्मान के बाद में उन्होंने क्या काम किया कि नारी आवास योजना चालू कर दी है, जिसका भी कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरी सोच ये है कि भी जैसे कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी और बीजेपी वालों ने कांग्रेस सरकार गिराए, उसी समय से योजना चालू कर देना था तो उनको लाभ बहुत मिलता। और चुनाव के 4 माह पहले किए तो वो कोई लोग कह रहे कि लॉलीपॉप है ये। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, कई लोग कहते हैं कि जुमला है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो राशि आने की वजह से जो हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि हमें बहुत सारा इसका बेनिफिट मिला है, है ना। तो यहाँ पर बहनों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जिन बहनों को मिल रहा है या जो बहनों जिन बहनों को लगातार अभी तक की छठवीं किस्त आई, तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा। नारी सम्मान योजना से ये है कि उसमें उनने कैटेगरी बांट दी है, नारी सम्मान योजना में भी भाई उनमें ये है कि उनने 23 से 60 का ग्रेड बांधा है उसने महिलाओं में। उसमें ट्रैक्टर वालों को आउट कर दिया, फोर व्हीलर वालों को आउट कर दिया, जिसके 5 एकड़ के ऊपर भूमि है उनको आउट कर दिया उनने, जिनके 2.5 लाख के ऊपर आय है उनको आउट कर दिया उनने। इसलिए कुछ महिलाएं तो नाराज भी उनसे। हाँ, सही कहा आपने। इस हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे हिसाब से। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी तो मतदान हो चुके, आपने भी किया होगा, है ना? हम यहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम हिरदी। हिरदी रहते हैं ना, लांजी क्षेत्र में तो है हिरदी, है ना? लांजी विधानसभा में ही आता है। तो वहाँ का कैसा रहा चुनावी माहौल? कौन आगे चल रहा है, कौन बढ़त बना सकता है, या किसकी सरकार आ सकती है? एक संभावना, ये तो कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर सब 50-50 मिली है सब। अच्छा, सभी 50-50 हैं, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिस्से में 50-50 है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई तीसरा भी है जो टक्कर दे सकता है इनको या नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। अच्छा, ये दोनों में ही है। चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ दीदी, नमस्ते। दीदी 2 मिनट रुके ना। दीदी अभी दो नहीं बोल सकते, अगर मैं बोल सकती तो आप क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दीदी मैं ये जानना चाह रही थी, अभी अभी मतदान हुए हैं, ठीक है, है ना? मतदान हुए आपके यहाँ भी, सभी ने, सभी लाडली बहनाओं ने, है ना, सालों ने, और कहना चाहिए जितने भी जो अभी 18 में हुए बच्चे युवा हमारे, है ना, हमारे बुजुर्ग सभी ने मतदान किया, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर मतदान हुए हैं। तो दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या रुझान है, क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? क्या बोल तो नहीं, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ लगा होगा ना, नहीं इस बार फूल आ सकता है या इस बार पंजा आ सकता है, ऐसा कुछ लगा? फूल ही आएगा, फूल ही आएगा। हाँ। भैया इस बार पंजा या कमल? इस बार पंजा या कमल? पंजा जीत गया इस बार, 3000 से ज्यादा है। 3000 से क्या ज्यादा है? पंजा। अच्छा, और ज्यादा है? हाँ। खाली 3000 से बढ़त लेगा? हाँ, 3000 से यहाँ से बढ़त है, उधर तो आगे ज्यादा है। अच्छा, मतलब यहाँ प्रॉपर परस वाले से 3000 की बढ़त है? एरिया से 3000 से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, उधर बाकी ज्यादा है और उधर। अच्छा अच्छा, सर इस बार पंजा या फूल? हम नहीं बताते जी, हम कर्मचारी हैं। भैया इस बार पंजा या फूल? पंजा ही आएगा। पंजा क्यों, फूल क्यों नहीं? मैं महाराष्ट्र रहते ना। अच्छा, अच्छा चलिए ठीक है। भैया भैया इस बार पंजा या फूल? पंजा या फूल? क्या बोल रहे? इस बार पंजा या फूल? पंजा। ओके, और कुछ नहीं, बस फूल गया। भाईजान इस बार पंजा या फूल? इस वक्त पंजा आएगा, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस आएंगे। कांग्रेस बढ़त में? बढ़त में, कांग्रेस बढ़त में। अच्छा जी। मतलब इसी क्षेत्र से, लांजी क्षेत्र में, या फिर अपने गांव की बात कर रहे हैं? परसवा क्षेत्र है, परसवा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। अच्छा, पंजा परसवा क्षेत्र है ना, पंजे में एकदम 80% पंजा है। बढ़िया सर जी, बधाई। हमने बहुत चलिए मैडम। भैया इस बार पंजा या फूल? फूल आएगा मैडम, फूल आएगा, कमल आएगा। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पंजा पंजा पंजा, आप फूल क्यों? किन्नापुर के क्षेत्र से पंजा निकलेगा, हमारे इधर के क्षेत्र से नानुभाव कावरे कमल निशान। अच्छा, नानू कावरे की जीत यहाँ पर पक्की है? पक्की है। भैया इस बार पंजा या फूल? इस बार पंजा या फूल? मैं अच्छा,
पंजा आने चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, 18 साल हो गए बदलते बदलते। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बदलाव जरूरी है बिल्कुल सब जगह। अगर पंजा जीत के आती तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनके लिए बहुत अच्छी की बात है, सब जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ बहुत दिन। दीदी पंजा या फूल? हाँ? इस बार पंजा या फूल? पंजा। माजी इस बार पंजा या फूल? पता नहीं। माजी इस बार पंजा या फूल? पंजा ही का फूल। भैया इस बार पंजा या फूल? कमल। कमल आएगा। भैया इस बार पंजा या फूल? फूल। भैया इस बार पंजा या फूल? कैसा? इस बार पंजा या फूल? पंजा। पंजा आएगा। फूल क्यों नहीं? क्या बताए फूल के बारे में, अपन तो कांग्रेस ही है। अच्छा, आप कांग्रेस ही है। अच्छा। चलिए ठीक है। भैया इस बार पंजा या फूल? कांग्रेस। कांग्रेस ओके। और कहेंगे भैया इस बार पंजा या फूल? कमल। आएगा भैया। अभी इस बार कमल को लेकर यहाँ इस क्षेत्र से कौन खड़ा था? राजकुमार कर रहे जी। राजकुमार कर रहे जी, आपको क्या लगता है कितनी की बढ़त हो यहाँ से ले सकते हैं? अब ये तो नहीं पता, पर जीतेंगे कर रहा है जी। अच्छा, जीतेंगे कर रहा है जी। चलिए ठीक है। भैया पंजा या फूल? पंजा आएगा। पंजा। दीदी पंजा या फूल? दीदी आप पंजा आएंगे? पंजा 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 पंजा। भैया पंजा या फूल? पंजा। पंजा भैया पंजा या फूल? पंजा। दीदी आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है? हमारे से कमल। कमल जीत रहा है। जीत कौन रहा है वो नहीं मालूम। भैया आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है? हमारे क्षेत्र से बीजेपी। 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 ओके। भैया इस बार के चुनाव में किसकी जीत होगी? मधुभगत की होंगे जी। मधुभगत। ओके, किससे खड़े थे, मतलब कौन सा निशान था? कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावित्री दानी अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ आज के सर्वे में ये पता चला कि यहाँ पर परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है। यहाँ पंजा और फूल दोनों ही 50-50% में है, कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है और बहुत मजा आएगा जब 3 तारीख को जब चुनाव की पेटी खुलेगी।